चैनल को नहीं की हो सब्सक्राइब तो जाओ और सब्सक्राइब करो पहले, देन आना फिर वीडियो एंजॉय कर। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ है व्लॉग में। बेसिकली अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 एंड हम जा रहे हैं बाहर मरसली पहाड़, वहाँ पे हम ड्रोन उड़ाएंगे। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर का सफर है तो वहाँ जाएंगे ड्रोन को रन करेंगे, क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे रन कर रहा था तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ रही थी जिसकी वजह से मैं ड्रोन अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहा था और कई सारे फीचर्स उसके टेस्ट नहीं कर पा रहा था। काफी ओपन प्लेस है एंड सबसे बेस्ट थिंग वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है तो वो भी देखेंगे एंड मेरा बाइक भी रेडी है जैसा आप देख सकते हो, तो आओ चलते हैं एंड बाकी चीजें वहाँ देखेंगे। तो ये मरसली पहाड़ का बोर्ड है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा जैसा कि आप देख सकते हैं एंड ये रास्ता आपका जाता है मरसली पहाड़ को एंड वो जो आप देख रहे हैं वो सामने मरसली पहाड़ है, वहीं पे मंदिर वगैरह है। अभी हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे सारे चीज़ों को एंड ड्रोन शॉट वहीं पर इंजॉय करेंगे। हम लोग आ चुके हैं अभी मरसली पहाड़, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहले ना इतना डेवलपमेंट नहीं था, ये जो आप देख रहे हो मैं जब आया था यहाँ पे उसकी भी स्टोरी आगे बताऊंगा कि मैं इस प्लेस को कैसे एक्सप्लोर किया था एंड ये देख सकते हो काफी ज्यादा पीछे पे यहाँ पे मेला वगैरह लगना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आ गया मरसली पहाड़, अब हम लोग देखेंगे आगे का व्यू कि ये चढ़ाई मुझे चढ़नी है और आगे देखेंगे कैसे चढ़ते हैं। ये पहाड़ मुझे चढ़ना है, आगे काफी अच्छा व्यू है, आगे हम लोग ड्रोन शॉट्स भी लेंगे इसमें, तो आगे देखते हैं आगे की चीजें। स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पूजा करने के परस्पेक्टिव से नहीं आया था, बट यहाँ आने के बाद इतनी शांति थी और इतना अच्छा वातावरण कि मैंने महादेव पे जल डाला एंड अंदर अभी पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वो सेवा सत्कार कर रहे हैं महादेव जी का। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस मंदिर की कहानी पंडित जी के थ्रू। कब से है पंडित जी आप यहाँ? हम तो बांग्ले से हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुमित पाठक जी। जैसे कि मंदिर तो पहले लोग जानते नहीं थे तो आप उस समय से यहाँ पे? हम तो उसे बाद की बात है, वो तो मंदिर के कोई नहीं जानते, बहुत पुराना मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है, हजारों वर्ष पुराना का ये मंदिर। ठीक है, तो मतलब इसके बारे में कुछ बताइए ना, मंदिर के बारे में। बाबा जो है अपने से प्रकट हुए हैं, बाबा जो है अपने से प्रकट हुए हैं, मंदिर अपने से बना हुआ है। ठीक है, मंदिर से भी कोई नहीं जानता है, तो हम जितना भी देख रहे हैं उतना ही मंदिर बना हुआ दीवार गुम्बज वगैरह नहीं था। अच्छा, गुम्बज वगैरह ये सब तो अभी बन रहे हैं? अभी बन रहा है, नहीं था मोबाइल से खाली था, ये बाद में 84 में वो गुम्बज बनाए थे। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर गुम्बज टूट रहा है गंगा जी में। हाँ, अभी हम चढ़े थे ऊपर देख रहे थे गुम्बज नया बन रहा है, नया बन रहा है, वो 51 फीट जाएगा वहाँ। अच्छा, एक मतलब ये गुम्बज जो बनेगा 51 फीट का गुम्बज बनेगा यहाँ पे, तो मतलब कब तक का कुछ समय वगैरह है कि कब तक बन के रेडी हो जाएगा? यही 6 से 7 महीने बोला है मिस्त्री लग बोला, 6 से 7 महीने। तो यहाँ पे जैसे अभी तो लोग बहुत कम आते हैं, कि कैसा भीड़ कैसा रहता है यहाँ? भीड़ तो बहुत अच्छा रहता है, संडे के सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है, और बाकी दिन भी 200-400 आदमी आते जाते रहते हैं, मतलब 200-400 का भीड़ डेली डेली है डेली। और जैसे कि सोमवार ही हो गया, अभी तो सावन चल रहा था, सोमवार में तो शायद लाइन वगैरह भी लगना पड़ता है ना यहाँ? हाँ, लाइन तो बहुत दूर लगता है यहाँ से, तालाब जहाँ कुंड है वहाँ तक लाइन चले जाता है, लाइन कभी ना लाइन के तो कोई गुंजाइश नहीं है सोमवार को संडे के लिए, संडे को 4 घंटा लाइन मैंने लगना ही लगना है। बाबा प्रसिद्ध हैं, सब मनोकामना पूरा होता है यहाँ। अच्छा, मंदिर का क्या नाम रखा है? ये मारासिली से प्रसिद्ध है, मारासिली। हाँ, मारासिली, और उसी नाम से ये पहाड़ वगैरह वगैरह प्रसिद्ध है। वाल्मीकि जी यहाँ पर तपस्या किए थे, समझे, तपस्या करते करते बोलते 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 मतलब ये मारा 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 मैं निकाला उनको, वो मारासिली हो गए, मारासिली मंदिर प्रसिद्ध। यहाँ तो बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं हमारे मंदिर वाले, तो जिसका बच्ची लोग के शादी ब्याह जल्दी नहीं होता है, बहुत लेट होता है शादी ब्याह में, तो उनको 2-4 महीने 6 महीने के अंदर में शादी विवाह हो जाता है, ये नाम देखते हैं। अच्छा, जिसका बाल बच्चा नहीं है, संतान नहीं हो रहा है, बहुत समय रह गया,
वो भी आके यहाँ देख रहे हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, संकल्प कराते हैं, तो उनको भी बाल बच्चा हो जाता है। अच्छा, संकल्प जगह होता है वो आप ही कराते हैं? हमें कराते हैं। मतलब अभी पूरा मंदिर का जो कार्यभार है मेरे पास वो आप ही के अंडर में? नहीं। कितने बजे सुबह मंदिर आप आ जाते हैं? सुबह हम 6 बजे मंदिर आए। मतलब 6 बजे से आप तो शाम में रहते हैं? हम भगवान से चाहेंगे कि यहाँ और भीड़ बढ़ते रहे, क्योंकि ये रांची का बहुत ही अलग मंदिर है। क्योंकि हम जैसा इस मंदिर को जानते हैं, बताते हम कैसे इस मंदिर को जाने। इधर मेरा भाई का एक दोस्त रहता है यहाँ पे, तो लॉकडाउन लगा था तो मेरा भाई बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि जो पानी का जार होता है ना, तो पानी जार वगैरह लेने के लिए बाहर निकलने दिया जाता था। मेरा भाई बोला कि चल हम इसको पीछे पकड़ के बैठते हैं बाइक में और तुम चलो। तो पहला या दूसरा लॉकडाउन के बाद हम लोग खोजते खोजते यहाँ पे आए थे। उस टाइम पे कुछ नहीं था, उस टाइम तो अभी तो बहुत कुछ बन गया इस मंदिर में। तालाब में बहुत गहराई है। तालाब में कितना गहराई है? बहुत गहराई है, कोई मालूम उसका भी था नहीं है। बोलते थे पूर्वज लोग कि 7 खटिया का रस्सी डालने के बाद उसका पता नहीं लगा। नहीं लगा कितना गहराई नहीं लगा। अच्छा, हम सुने यहाँ पे योनी वगैरह भी है कुछ? हाँ, योनी भी है। पहले तो यहाँ बहुत कुछ था, वो मेढक भी था, समझे ना? मेढक अभी भी है नीचे में। तो मैंने यहाँ वो आवाज़ देता था मेढक, खुलेगा आवाज़ देता था मेढक, तो यहाँ गाँव अगल बगल लोग अभी समझ जाते थे कि मैंने अब बरसात आने वाला है। मतलब कि बरसात का इंडिकेटर था। हाँ, एक तरह समझिए कि इंडिकेट करता था कि अब बरसात आए। बरसात आए। अरे यहाँ तो हाथी भी बहुत बड़का था, अभी भी है, लेकिन उसका पैर सूढ़ भी नहीं है, खाली शरीर भर बचा हुआ है। कहाँ पे है ये? थोड़ा सा नीचे में है। मतलब ये जो रास्ता जाता है उसमें है क्या? यहाँ से इसे उतरने के बाद नीचे में बहुत पूरा एकदम शरीर उसका है, वो एकदम जैसा हाथी का शरीर रहता है वैसा ही शरीर। मतलब कोई आए तो यहाँ पे काफी सारा चीजें देखने के लिए। सबसे बड़ा चीज जो है कि ये शांति है यहाँ की। गुफा भी है दो नीचे में, यहाँ है इधर इस साइड, और ये तो यहाँ जो झंडा देख रहे हैं ना, ये साईं शंकर जी की यादगार है। जो झंडा आगे दिख रहा है, ये तालाब जो कुंड दिख रहे हैं उसका आगे, हाँ वहाँ पे दो ठो झंडा उसी गुफे के पास में, वो 15-20 फीट गहराई है उसमें, तो जल भरा हुआ है एकदम ऊपर, एकदम शंकर जी के ही आकार है ये। लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और करें तो कमेंट भी कर देना यार, सपोर्ट बहुत जरूरी है। एंड इसी आशा के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में, जहाँ पे ट्राई करूंगा कुछ अमेजिंग और चीज़ें आपके लिए लेके आ सकूँ, ताकि आप उन वीडियोज़ को एंजॉय करो और उस वीडियो से आपको वैल्यू मिल सके। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। सो बाय।